को पता लगना चाहिए कि तुम कैसे हो। तुम इस गाड़ी से उतरे सही है तो इस गाड़ी में बैठना नहीं, मैं गाड़ी लेकर निकल जाऊंगी। तुम जाओ निकलो यहाँ। बंद करो कि क्या है, इसको बंद करो ना। Assalamualaikum and welcome to my another vlog. कैसे हैं guys? उम्मीद है सब खैर खैरियत से। क्या हुआ तुम आज? तुमने फिर घर से गाड़ी से का व्लॉग शुरू किया। आदत है मेरी, आदत है, आदत है, आदत है। तुम्हें कहा था ऐसे शुरू कर लो, अभी करने दो। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे मुझे किसी की शादी, सजा हुआ एक घर जैसे हमारा सजा था अभी कुछ दिन पहले, जब मैंने की थी अपनी नंद की ढोल की। तो अभी आज हम लोगों ने सोचा चलो यार आज अकेले कल्ले कल्ले जाते हैं बाहर, तो आज हम बाहर जा रहे हैं ऐसे ही। 36 घंटे लोड शेडिंग, 36 नहीं 40 ही घंटे हो गए 40 घंटे लोड शेडिंग के बाद। पर मैं तो वही बोलती हूँ कि इंसान जाना मौज करे। हमने तो गाड़ी में एसी ऑन किया था और गाड़ी में सो गए थे रात में। हाँ पर ये था हमारा मोबाइल ऑफ था। हाँ मोबाइल ऑफ था, मोबाइल ऑफ था। कैसे कैसे बनता, कैसे बनता यहाँ पे जिंदगी खराब हो जाता है। फोन पकड़े पकड़े सब्सक्राइब तो कर दिया करो, सब्सक्राइब तो कर दिया करो। अगर कोई जल रहा है तो उसको और जलाओ, मेरे सब्सक्राइब बढ़ाओ, मुझे तुम लोग यूट्यूब का बादशाह बना दो। बादशाह थोड़ी बोलोगी, मलिका बनोगी तुम। और तो स्टेक खाने और अभी देखते हैं क्या होता है, निकलते हैं। और हाँ आज मुझे अपने फोन का निकल गए हैं यार, मेरे फोन का ये प्रोडक्टर भी पूरा टूट चुका है जान, तो चलो चेंज करवाना है। ठीक है ना, पहले ये करा लें या पहले उधर चले? देख लो जैसे तुम्हें बेटर लगे। पहले मैं कह रही हूँ पहले खाना खा लिया जाए, है ना? ठीक है, जाते ही लोकेशन वॉच से करा आपको। स्टेक से पहुंच गई मैं सीधा कलेजी में। वाओ कलेजी नहीं, स्टेक ही खाने जा रही हूं। नहीं ना भाई, मुझे वो ही खानी है कलेजी, मेरा दिल कर रहा है स्ट्रीट फूड खाने का। तुम्हारा मेरी वजह से हो रहा होगा, मतलब पहले तो तुम ये बोली थी मुझे स्टेक खाना। नहीं अल्लाह की कसम मेरा यही दिल कर रहा है। चलो ठीक है देखते हैं। सही है ये किस्सा मुझसे नेल्स के बारे में पूछते हैं कि एक्रेलिक है प्रेस ऑन है, तो भाई दिस इज अ प्रेस ऑन नेल्स। ठीक है एक्रेलिक्स मैं इसलिए नहीं कराती हूँ कि बहुत सारी वजूहत है, तो मैं ज़्यादातर मुझे शौक नहीं है कि मैं एक्रेलिक करवाऊँ, करवाती हूँ बहुत बहुत कम ना। तो ये जो है ना मरियम क्रिएशन है, एक पेज है टिकटॉक पर भी, इंस्टा पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत रिजनेबल प्राइस में। और एक जो इनकी क्वालिटी है ना, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। लाइक अब ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपके ना एक रेलिक्स हुए हैं। और ये जो ये यहाँ से ऐसा हो गया ना, तो एल्फी ऊपर लग गई थी मेरे से गलती से, तब ये ऐसा हो गया, वरना ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त नेल्स हैं यार। मुझे एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है, मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, अगर कोई टोटका पता हो ना तो मुझे बताएं। अब अल्लाह के वास्ते बंदियों ते बंदो, बंदे ते पुत्र बनो यार, ये बात तो उसके लिए दुआ करो भाई प्लीज, वो खाए पिए थोड़ा सेहत पकड़ ले। मुझे आज भी उसको देख के गुस्सा आता है, बहुत कमजोर हो रहा है ना। अब ये ना वो तुमने ये बात तो बोल दी ना, हम लोगों ने ये बात तो बोल दी ना उसके लिए, मतलब हमने शेयर किया, सब नहीं मैं सबको नहीं कह रही, कुछ लोग बोले हाँ तुम्हें क्या परवाह, तुम तो तैयार हो के मियाँ के साथ घूमती रहती हो, बच्चों को तो देखो बच्चों खिलाओ, माँ दे पुत्रों हम उनका ख्याल रखते हैं, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग आजकल बहुत तंग कर रहे हैं खाने पीने में कि बिल्कुल भी नहीं खा रहे। ऐसा नहीं है कि हम खिलाते नहीं है या हम घूमने फिरने में ही लगे रहते हैं, बट वो लोग खुद से जो भी चीज़ दो वो कहते हैं मैं मेरा दिल नहीं चाह रहा, डॉक्टरों को भी दिखाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। पर आप लोग प्लीज बताएं कि बच्चे को भूख लगे खुद से। दिस इज द लेग टिक्का, मजेदार यही करते हैं, तो अब ये खा लें फिर मिलते हैं। हम लोग अपने बेस्ट फूड, ओ कलेजी भी आ गई हमारी कलेजी, रोज अच्छा नहीं लगा मुझे, बस फिर मैंने कहा मैं तो यही खाऊंगी कलेजी, पसंद है कलेजियाँ, कलेजी भी कहीं कहीं की अच्छी होती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिल्कुल दो जगह मजेदार खाती है लेकिन। हाँ तो भाई खाना शाना खा लिया, अब मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग दवा गो जाना है, मुझे चीजें लेनी होती। और चला गया अपने तोतों का दाना लेने के लिए, और माँ से पता नहीं गैस को
तोते का दाना नहीं मिला नहीं है, हमेशा तोतों का दाना ढूंढने लगता है। इसका भी अजीब ही सिस्टम है, मुझे समझ में नहीं आता है। अपने तोतों के लिए पागल रहता है ये, बस तोते तोते तोते। अब पता नहीं मैंने आप लोगों को अपने तोते दिखाए हैं नहीं दिखाए, शायद नहीं दिखाया। आप लोगों को अपने तोते भी दिखाऊंगी और वहीं से हो जाएगा ना यार। वो फिर वो शॉप वाला भी चला जाता है ना, अच्छे अच्छे कवर्स लगाता है वो, बहुत प्रोटेक्टर अच्छे लगाता है। मैं शादी से पहले से उससे ही लगवा रही हूँ, बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा। वो ही कवर वाला, अरे फोन मोबाइल कवर वाला। ऐसे ही बता, 10 दफा बोला है राबे, ये मेरे सामने बातें मत किया करो, ये हरकतें मत किया करो यार। मैंने क्या हरकत, चलो पकड़ो, बल्कि तुम उधर तुम जाओ। मैं क्यों जाऊं भाई, क्या हो गया राबिया यार, ये क्या हो गया? तुम्हें फजूल में तुम लड़ाई करोगे और कुछ भी नहीं हो। इतनी सी बात पे तुम फजूल में लड़ रहे हो, कोई बात इंसान उस बात पे लड़े, कोई बड़ी बात तो हो अली। मैं तुमसे तफरी कर रही हूँ, तुम फजूल में इस तरह से हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हें पैसे ही पता है मेरे मूड सही नहीं था और तुम सारे मूड की वजह से तो सब कुछ कैंसिल करके वहाँ की जगह वहाँ चले गए। चलो ठीक है यार, इसका मूड अच्छा हो जाएगा। तुम अजीब बातें कर रहे हो, मैंने पहले तुमसे पूछा, तुम्हारा मूड कभी सही नहीं होता। तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, ये होना, लड़की मैं हूँ बंद तुम जाते हो, तुम्हारा काम मतलब कहाँ जा रहे हो? सच में जा रहे हो? अब जहाँ भी जा रहा हूँ जाओ, ठीक है? या तो तुम उतर जाओ गाड़ी से, मैं उतर जाऊँ। मेरी बात सुनो, अगर तुम ये गाड़ी से उतरे सही है तो इस गाड़ी में बैठना नहीं, मैं गाड़ी लेकर निकल जाऊंगी, मुझे मेरी माँ की कसम में चली जाऊंगी। पक्का? क्या बंदा है भाई, सच में चला गया? चला गया यार, कैसा बंदा है ये पूरा। घर पे भी नहीं आओगे? मैं सच में जा रही हूँ। मजाक अच्छा लगता है, खत तक अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक है। बट यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, ये बात आप लोग भी देख रहे थे। और ये ऐसा नहीं है कोई मैंने कोई प्रैंक किया हो या कोई अली के साथ कोई ऐसी गलत हरकत की हो या कोई मिस वर्ड यूज़ किया हो कि जिसकी वजह से वो इतना हाइपर हो गया और मुझे इस तरह से बीच रोड पर छोड़ कर चला गया। मैं तो घर पर आ गई थी और अली शायद मुझे लगता है कि आ गया है क्योंकि गेट नॉक हुआ है। आए हो तुम? चुप करके सो जाओ प्लीज। तुम तो गाड़ी में आ गई ना, मैं कैसे आया तुम्हें ये सोचा तुमने? अच्छा ये मतलब कि ये मेरी गलती है, तुम मुझे रोड पे छोड़ के आ गए। अगर सोचो वहां पे कोई डकैत आ जाते, कुछ हो जाता मेरे साथ, तुम क्या करते? कोई भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? लाइट क्यों बंद कर? तुम गाड़ी में थी। बिल्कुल अपने ठंडे दिमाग से सोचो कि मैंने ठीक किया है। क्या किया है मैंने? एक शख्स मुझसे इतना प्यार करता है, मैं उसके सामने फिर इतना खुशी-खुशी तुम्हें बाहर लेके गया, ठीक है? मेरा दिल नहीं चाहता फिर भी मैं तुम्हें बाहर लेके गया, जो तुमने बोला मैंने खिलाया पिलाया, फिर तुमने क्या नाम है इस तरह की कुछ गलत हरकतें की, गलत बातें कर रही हूँ मुझसे। तुम्हें मना करता हूँ कि मेरे सामने ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई बात मत किया करो, तुमने फिर ऐसी हरकत की। मैंने कहा आप लोग खुद बताओ कि मैंने ठीक किया गलत किया? अच्छा मतलब कि वो लोग खुद जानते हैं कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं तुम्हें गलत बोल रही हूँ, मैं बहुत गलत हूँ और तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत शरीफ हो, तुम बहुत अच्छे शौहर हो, ये सब जानना चाहते हो। तुम्हारे साथ रहना आसान नहीं है अली। अच्छा। लोगों को पता लगना चाहिए। ना भाई तुम निकलो, मैं नहीं निकल रही, तुम निकलो, चलो तुम निकलो, तुम जाओगे, राबिया बस तुम जाओगे, तुम जाओ, निकलो यहाँ। बंद करो, ये क्या है?